आखिर किस रंजन से मिलवा रहा है रणधीर लोगों को? जरूर कोई रणधीर से झूठ बोल रहा है कि वही रंजन है। मुझे रणधीर के रूम में जाके देखना चाहिए, शायद कोई सुराग मिल जाए कि कौन है वो झूठा रंजन। क्या सोच रही हैं आप? नहीं, वो क्या है ना कि सोच तो मैं रहा था कि अब अपनी ये पायल वापस लेने कब आएगी। इन खतों से शायद पता चल जाए कि ये झूठा रंजन कौन है। लगता है अब अपनी पायल ढूंढने आई है। नहीं, वो क्या है ना कि अगर आप अपनी एक पायल वापस भी ले जाती उसके बाद भी आपको वापस आना ही पड़ता। जी, दूसरी पायल भी मेरे पास ही है। जी वहां वहां शेल्फ पे रखी थी, बड़ी वफादार है, आपकी पहरेदारी भी कर रही थी, लेकिन अफसोस आपके भेद खुल बैठी। मैं कोई चोरी करने थोड़ी ना आई हूँ कि मुझे भेद खुलने का डर होगा। मैं सच्चाई जानने आई हूँ कि आपने सच में रंजन को ढूंढ लिया है। हाँ, ढूंढ लिया मैंने उसको। तो कौन है वो? आज रात 8 बजे आप खुद ही सुन लीजिएगा रेडियो पर रंजन को। अच्छा, वैसे एक बात बताइए, आप इतनी बेकरार क्यों हैं जानने के लिए कि रंजन कौन है? मैं क्या, रंजन के लिए तो पूरा लाहौर बेकरार है। अमरू, किथे है तू? मैनू मेरी पायल दे दो। एक तो मेरे पास ही रहती है ना। ये क्या दीवाना, चल दिखा अपनी काबिलियत। ध्यानचंद का फैन है ना तू? बॉल उनकी हॉकी से ऐसे चिपकी रहती थी कि नेदरलैंड वालों ने उनकी हॉकी को तुड़वा के टेस्ट किया था कि कहीं उनकी हॉकी में चुंबक तो नहीं छिपी हुई। जी अच्छी तरह से मालूम है जी मेरे को, वो ध्यानचंद साहब की हॉकी से कोई बॉल अलग ही नहीं कर सकता था, कोई छीन ही नहीं सकता था। बस यही करके दिखाना है तुझे। उस बर्तबान में से पानी की आखिरी बूंद टपकने तक तूने बॉल को अपनी हॉकी से दूर नहीं होने देना है। ये सारे लड़के तेरे खिलाफ खेलेंगे, ये लड़के थोड़ी थोड़ी देर में बदलते रहेंगे, लेकिन तू नहीं बदलेगा और ना ही तू इन्हें बॉल लेने देगा। बॉल दे, बॉल तुझे मंजूर है? और हां, गोल मत होने देना। बड़ा बनने के लिए लड़ना पड़ता है उदय, कभी सपनों से तो कभी अपनों से।
रब हजारों में से किसी एक इंसान को ऐसा बनाते जिसमें उड़ने की काबिलियत हो। मंजूर है कोच साहब। दिखाई कुछ दे नहीं रहा है और बनने चला ध्यानचंद। उदय को इंडिया वाली टीम में शामिल करवा देना या खुदा मेरे भरोसे को टूटने मत देना। और ये शुरू होता है नामुमकिन से दिखने वाला एक गेम। उदय साहनी को पानी का मटका खाली होने तक खेलना है और बॉल को छीनने से बचाना है। उदय लगातार खेल रहा है और बॉल को छीनने नहीं दिया है अब तक। कमाल का प्रदर्शन है उदय का। लगता है ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। अभी तक बॉल चिपकी हुई है हॉकी से। मटके का पानी खत्म होने वाला है लेकिन उदय ने अभी तक आज तो मजा ही आ गया है। क्या खेल रहा है यार, कितने समय से किसी को गेंद के पास भी नहीं आने दिया, अकेला ही खेल रहा है सबके साथ। और जादूगर है यह हॉकी का, कमाल का खिलाड़ी है। उदय नाम है इसका। उदय उदय उदय। और अपना वादा निभाते हुए उदय ने बॉल छीनने भी नहीं दी। मटके का पानी खत्म होने तक गोल भी कर दिया। वाह, शानदार प्रदर्शन रहा, ऐसा खिलाड़ी कहीं नहीं देखा आज। किता यारा, तेरे जैसा हॉकी प्लेयर मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे माफ कर दे मेरे सलूक के लिए। ओए चको, आज के ध्यानचंद को मोटे पे। हॉकी की मिसाल बनेगा उदय। इस देश को नाज होगा तेरे जैसे खिलाड़ियों पर। मुझे फक्र है तुझ पर, समझ। कमेटी ने तुझे टीम में शामिल कर लिया। जा, इंडिया के लिए खेलने के लिए तैयार हो जा। और हां, अपने जख्मों पे अच्छे से मरहम पट्टी करवा ले और आ जा 2 दिन बाद मैदान में प्रैक्टिस के लिए। तेरा भरोसा जीत गया वशमा, मेरा सिलेक्शन हो गया इंडिया वाली टीम में। वो अंग्रेजी ट्रेंचर आईडी तो नहीं लगा दिया था पहले? वो बिगाड़ देता है जख्मों को और फिर आते हैं मेरे पास मरहम पट्टी कराने को। नहीं हकीम साहब, जैसी चोट लगी ना, मैंने कहा अपने हकीम साहब के पास चलते। अभी ताजे गेंदों का साथ निकाल कर दवाई बना देता हूँ, बस लगाते ही।
ठीक होना शुरू हो जाना है। ठीक है जी। तू बस थोड़ा इंतजार कर, मैं आया। ओ अकीम साहब, ओ अकीम साहब, आइए लाला जी, वो मुंडा कहाँ गया? ओ जी मुंडो शुंडो को छोड़ो, आप मेरी गल सुनो। हकीम साहब, मैनू ऐसी दवा चाहिए है जिसको लेते वो ताकत वाला जोश आ जाए। अरे इच्छा ही नहीं होती जब बस इच्छा ही होती है। हाँ जी होती है, बहुत होती है, उसके आगे कुछ नहीं होता। फिक्र मत करो लाला जी, मैंने ऐसी बूटी बनाकर देनी है ना, बड़े बड़े बंजर खेत हरे किए हैं मैंने। बस बस बातें कम, सिर्फ दवा दे दो। अजीब बात ही तो नहीं ना करता कोई इस बारे में, जे कोई इतना बड़ा मर्ज भी नहीं जिसका इलाज ना हो सके। अगर आज रात को ही इस्तेमाल करनी है तो खुराक जरा तेज बना दूं। तेज तेज बनाओ, पर छेती करो। बाऊजी घर वापस आ गए, अब तो तेरे घर जाके ही सुनना पड़ेगा रेडियो। देखे तो सही किसे झूठा रंजन बना के ला रहा है रणधीर, तो तू उसे सच बता देती। ऐसे कैसे, पहले पता तो चले कि ऐसा कौन मिला है रणधीर को जो खुद को रंजन कह रहा है। वशमा ये बात मैंने तेरे सिवा और किसी को नहीं बताई है। जब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं हो जाती तब तक मैंने ये बात रणधीर को भी नहीं बतानी है। चल चलकर सुनते हैं झूठे रंजन को। सवेरे 6 बजे ना शिवरात्रि के लिए मत्था टेकने जाना है। सवेरे सवेरे भीड़ कम होती है ना, पूजा की थाली हुणे ही सजा के रख लेना है। ओ कुड़ियों ये लो, अब थोड़ा काम किया करो, ये लो पूजा की थाली तैयार करो, चलो चिठानी जी। हाँ इनमें से बादाम कौन सा है? ओए तूने आज तक बादाम नहीं देखे? ओ नहीं जी नहीं, मैंने तो सिर्फ सुना था। वो ना मेरा मामा कहता था कि जो लोग बादाम खाते हैं ना रात को चूहे आकर ना उनकी अतड़ियां ना कुतर लेते हैं। हाँ सच्ची, हाँ अब समझी जी मैं। आप लोग बादाम खाते हो ना इसलिए आपके घर पे ना बहुत सारे चूहे जी मैंने देखे हैं। बड़ी वाहियात बातें करता था तेरा मामा। अब पहले ये बता कि तेनु बादाम का करना की है? ओ जी वो उदय पुत्र जी के बाबूजी कह के गए थे कि बादाम वाला दूध बनाकर रखना, रात में पीना है जी उनको। ये वाले हैं बादाम। ये वाली? जा। ठीक है जी। और सुन कमरे में जाने से पहले ना गर्दन के पास थोड़ा इत्र लगा लेना। क्यों जी? क्यों, रात को करतब जो दिखाने हैं। लगा लेना तू, जा। ठीक है। अरे उदय आ गया, सिलेक्शन हुआ कि नहीं? ये मेरी तरफ देख तक नहीं रहा है। अच्छा सुन, तू घर चल के रेडियो सुन, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। उदय, उदय कहाँ जा रहे तू? उदय मेरी बात सुन। उदय, इतनी देर तक खिड़की पे खड़ी तेरी राह देखती रही, बार बार इबादत की तेरे लिए, पर तू मुझे इतना नहीं बता सकता कि आज मैदान में हुआ क्या? ओ, हो गया मेरा इंडिया वाली टीम में सिलेक्शन दोबारा। उदय इतनी बड़ी बात, तू इतना रुखा सा होके क्यों बोल रहा है? और क्योंकि ना मैं ऐसा ही हूं, मेरा ना दिमाग खराब ही रहता है। और ये क्या लगा रखा है, बता नहीं रहा मतलब? ओ मेरा यही काम रह गया कि तुझे सब कुछ बताता रहूं? ठीक है, अगर तेरा दिमाग खराब रहता है ना तो मेरा तुझसे दुगना खराब रहता है। अब तू बस देख।
वशमा आ गई तू? चाची जी मैं अमृत, वशमा आ रही है। अच्छा अमृत, कुछ खाएगी? शीरमाल बनाया है? नहीं नहीं चाची जी मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। कौन है ये धोखेबाज जो रांझन का नाम लेकर कहानियां सुना रहा है? जल्दी आ, जल्दी आ, शुरू होने वाला है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं रणधीर रायजादा आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। तो जैसे कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं रांझन से आपको मिलवाऊंगा, तो सुनिए उन्हीं की जुबान से उन्हीं की कहानी। रांझन जी आइए। अब सबको मेरा नमस्कार, मैं रांझन। ये तो आदमी की आवाज है। और आप सबको मैं अपनी कहानी बसंत का प्रेम सुनाने जा रहा हूँ। कौन है ये बंदा जो झूठा रांझन बन के बोले ही जा रहा है? क्या तकलीफ है तुझे? क्यों रेडियो से छेड़खानी कर रही है? रेडियो चल रहा है ना मामा जी? हाँ चल रहा है। तो फिर अमृत रेडियो सुनने वशमा के घर क्यों गई? कह रहे थे किसी रांझन की कहानियां सुननी है। इसका बेड़ा गर्क किया है इस रांझन ने, जिसकी प्रेम कहानियां पढ़ पढ़ के इसका दिमाग खराब हो गया है। वो इस कहानी में तो ये भी लिखा है कि असली आजादी तब मिलेगी जब लड़कियां अपने फैसले लेने के लिए आजाद होंगी। अब बताइए वो लड़कियां जब ऐसी कहानियां पढ़ेंगी तो दिमाग खराब होना है ना इनका। अब आएगा मजा। मैंने आग जो लगा दी उसने देखा था उसे। इस धोखेबाज को सबक सिखाना है मैंने। सिर्फ एक इसका पता लगाकर इसके सच के बारे में मैं रणधीर को बताऊंगी। इतनी बड़ी गुस्ताखी अमृत! जब पसंद जीवन में आया उसने अपने पिता से इतना पूछा कि क्या कमी है उसकी पसंद में, पर पिता के सामने उसकी एक ना चली। पिता ने मुंह मांगा, कपड़ा खिलौना सब दिया, पर मन चला प्यार देने में उन्हें क्या तकलीफ थी। उसने देखा था उसे छत के नीचे से। आंखें सिर्फ एक पल को ही मिली थी शायद, पर वो एक पल हर रोज उन्हें छत पर लाने के लिए काफी था। और रब 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 शाबाश कुड़िये, बस ऐसी माँ बेटी मिलके इस घर के खुशियां ना स्वाह कर देंगे। तब ठंडक पैगी मेरे कलेजे विच। मेरी बेटी यहाँ बैठकर उस घटिया लेखक की कहानी सुन रही है। मैं तुम्हें बच्चियां हैं, कहानी तो सुन रही थी, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तेरे लिए नहीं होगी डॉक्टर, मगर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। रब दी सौ अगर ये रांझन मुझे कहीं मिल जाए ना, तो इससे सरेआम चौराहे पर खड़ा करके इतने जूते मारूंगा कि वाहियात कहानियां लिखना तो दूर, कि अपना नाम तक भूल जाएगा।
रब 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 राजी वो कैसा नवा जमाना आ गया आजकल कुड़िया चुप चुप के जाकर प्रेम कहानियां सुन रही है और कल को जाकर लड़कों से मिलने लग जाएंगे कल्ली हाय रब्बा वो बेड़ा गर्क होने वाला है आगे की पीढ़ी का सच बता रही हूँ ज्यादा लाड प्यार ना बच्चों को खराब कर देता है और खासकर कुड़िया नू और तभी मैं अपनी किरण बाला को ना जरा भी ढील नहीं देती भाई और इधर आ तू जी ये गलती ना भी हो ना तब भी एक आधा लगा देती हूँ कि गलती से भी गलती ना हो रब 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 पर जाए ही किसी लड़के से प्यार व्यार ना कर बैठे रोना पड़ जाना है सबनों तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या जरूरत थी वहां जाके कहानी सुनने की हाँ गलती मेरी है वीर जी मैंने ही कहा था कि मेरे घर पे चल के रेडियो सुनते ताया जी मैंने माफ कर दो इतनी चर्चा सुन ली थी रांझन की कि मन कर गया उसकी कहानी सुनने का और अमृत का हाथ पकड़ के मैं ही उसे अपने साथ ले गई थी उसकी कोई गलती नहीं है उसकी अपनी अकल कहां गई थी कल को कोई कह देगा कि कुएं में छलांग लगा दे तो डूब के जान दे देगी अपनी उसनु पता सी कि मैं रांझन और उसकी कहानियां नु नफरत करदा फिर भी वो तेरे नाल उसकी कहानियां सुनने चली गई रांझन की कहानियां सुनना क्या इतना बड़ा गुनाह है लाला जी ये कहां से आ गया या आप सिर्फ इसलिए खफा हैं कि अमृत ने वो किया जो आपने मना किया था पहली बार किसी ने प्राची से बहस करने की जुर्रत की है लाला जी क्या आप ये सोचते हैं कि औरत को कभी भी अपने हकों का एहसास नहीं होना चाहिए मैंने ऐसी बात कभी नहीं की तो रांझन भी अपनी कहानियों में औरत के इन्हीं हकों की तो बात करता है जी हकों की बात अलग है और बेशर्मी की अलग हम नए जमाने के लोग नहीं हैं। रामायण महाभारत त्रेता सतयुग इससे पुराना तो नहीं आपका जमाना देवी देवताओं से बढ़के नहीं आपके संस्कार लाला जी अगर ऋषि मुनियों के लिखे ग्रंथों में देवियां अपनी मर्जी से स्वयंवर रच सकती हैं अपनी मर्जी से वर चुन सकती हैं तो रांझन की लिखी कहानियों की नायिकाएं भी आजकल के लड़कों के बारे में अपनी सोच रख सकती हैं अपने प्रेम की अपने भावनाओं की अपने सपनों की अपनी आजादी की लाला जी सच कहूं जी मुझे नहीं लगता है कि ये बात करना ना कोई गुनाह है जी बस, 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 बस।
कसूर सिर्फ रंजन का नहीं, उन लोगों का भी है जो उसे शह देते हैं। अगर आपने उसकी कहानी अपने अखबार में ना छापी होती तो हमारी कुड़ियां उसको पढ़कर कभी अपने संस्कार नहीं भूलती। लाला जी, वो अपने संस्कार नहीं भूल रही हैं। जी, वो बस ना बस अपनी सोच बड़ी कर रही हैं जी। हम बड़े लोग नहीं हैं। हमारी कुड़ियों को नहीं करनी अपनी सोच पड़ी। हम अगर मर्यादा में रहकर मेहमान के साथ पेश आ रहे हैं तो बेहतर होगा कि मेहमान भी मर्यादा में रहे। रब रब रब, इन दोनों की सोच में तो जमीन और आसमान का फर्क है। इस हिसाब से तो ये ससुर दामाद की निभने वाली नहीं है। जी जी, आप मिट्टी पाओ, थोड़े गुस्से पे गलती हो गई। गलती हुई है, उसकी सजा तो मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। मगर सजा इसे नहीं मिलेगी, सजा मिलेगी बाप को। आज अगर मेरी बेटी बेशर्मी की कहानियां पढ़ सुन रही है, उसमें कसूर उसका नहीं, उसके बाप का है, जो उसे कुछ सिखा नहीं सका। और आज अगर वो बाप की पगड़ी उछालती है तो इसमें कसूर उसके बाप का है, बेटी का नहीं। और इस बाप की आज से सजा ये है कि वो अपनी बेटी के हाथ से ना तो कुछ खाएगा ना पिएगा। सुबह की लस्सी और ना रात को दवाई वाला काढ़ा। बाऊजी, 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 मेरी गल तो सुनो बाऊजी, बाऊजी। कुछ बात तो है अमृत में, लाला जी की इतनी पाबंदियां होने के बाद भी रंजन की कहानियों में दिलचस्पी रखती है, उससे ज्यादा तो उसकी आंखें बोलती हैं। कुछ तो ऐसा है उसकी शख्सियत में जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा है। अमृत,
रांझन, आज एक मासूम लड़की को सिर्फ इसलिए डांट सुनते हुए देखा क्योंकि वो तुम्हारी कहानियां सुन रही थी। संस्कारों वाला प्रेम, क्या कसूर था उसका? ये बात वो खुद भी समझ नहीं पाई कि क्यों उसे रांझन के सच को त्यागना होगा, ये जानते हुए कि रांझन सही है। ये वशमा कहाँ है? अपने घर तो नहीं चली गई? हो गया मेरा इंडिया वाली टीम में सिलेक्शन दोबारा। और क्योंकि ना मैं ऐसा ही, मेरा ना दिमाग खराब ही रहता है। अब कर भी दे माफ, कैसे बताऊं कि अपने बाबूजी की बुढ़ापे में ऐसी उल्टी सीधी हरकतें देखना ना अपने आप में कितना बड़ा दर्द है वशमा, और उनका गुस्सा फिजूल में तेरे पर निकल गया। अरे किथे रह गई है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। ये इत्र की खुशबू भी उड़ जानी है सारी। सब्र रख, आज मैं तेनू जादू दिखाने वाला हूँ। हाय रब्बा, आपको जादू भी आता है? आंदा है। अपनी आंखें मत खोलना, चल बैठ इत्थे। जी मैं क्या कह रही थी, ये जादू ना आप मैनू बाद में दिखाना, पहले आप अपने जादू से जीत जी को मना लेंगे क्या? बेचारी अमृत से बहुत नाराज है। चुप कर, कितना बोलती है तू? अब एक घंटे तक कुछ नहीं बोलेगी, तुझे मेरी सौ, एक घंटा। उनको लाखे नवी पाइए। अब मैं तेनू प्यार वाला जादू दिखाऊंगा और तू चुपचाप जो जो मैं कहूं तू करती जाना। चल खोल, बहनू खोल। अब ये की साप्या पै गया है? अरे अरे अजीब, ऐथे कर ऐथे कर। अरे आए, अरे अरे कमर कमर वे, अरे अबे अरे मार दित्ता। एक घंटे तक कुछ नहीं बोलेगी, तुझे मेरी सौ।
मैं क्या जी, इन्हें परेशान ना हो, साड़ी अमरू की वजह से तुहाड़ी पगड़ी नीच। क्यों होया है? अरे कुछ बोल तो मुंह से। अच्छा चल चल, अरे कुछ बता तो सही। क्यों होया? अरे कुछ मुंह से बोलेगी भी? कुछ क्या? क्यों होया जी? मार दिता। क्यों होया ब्रिज, इसकी ये हालत कैसे हुई? ओए मुंह से कुछ बोल या चुप रह। मर गया। राय रानी है जी, जल्दी से डॉक्टर बेग को बुला। मैं उन्हें बुला के लाई। जा 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 जा। मैं बुलाती हूँ। ओ ब्रिज पुत्र, क्यों है पुत्र? मर गया। ओ ताई जी, क्यों है? पता नहीं तेरे बाऊजी नु। बाऊजी? हाँ, मैं इकबाल भाई साहब को बुला के लाती हूँ। उन बस कर यार, तू खाज कर करके क्या खून निकालेगा? सबर कर थोड़ा, आ जा। बाऊजी क्या हुआ? बाऊजी को पता नहीं क्या हुआ है, डॉक्टर बेग को बुलाया है। ताई जी मैं गीला तौलिया लेकर आता हूँ। ला 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 बेटे, जल्दी लेके आ। ओ डॉक्टर जल्दी आ यार, देख जरा, देख देख इसकी हालत क्या होगी, देख। लाले किसी दवाई का उल्टा असर हुआ है। ये दवा पी ले, आराम मिलेगा। शाबाश राधा, एक गीला तौलिया लेकर आना जल्दी से। सबर रख पुत्र, सबर रख। अरे बहुत बढ़िया काम किया उदय। रब 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 रब, वो क्या हुआ मेरे प्राजी को? वो मैं तो देख भी नहीं पा रही हूँ। शवाई लग रही है। हकीम साहब, मैंने वो ऐसी दवा चाहिए है जिसको लेते वो ताकत वाला जोश आ जाए। रब 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 रब, जहर वहर तो नहीं खिला दिया मेरे प्रा को? हाथ छोड़ मेरा। नहीं नहीं, पहले तू मुझे बोल कि तू मुझसे नाराज नहीं है। वो मैं तुझसे नाराज, पर मुझे कोई बात, लेकिन मुझे बात करनी है वशमा, मुझे बात करनी है वशमा। मैं दुखी था, मैं घर भी देर से लौटा, वो हॉकी की सिलेक्शन वाली बात भी मैंने तेरे को ठीक से नहीं बताई वशमा। तू जानती नहीं है बाऊजी कैसी उल्टी सीधी हरकतें करते घूम रहे हैं। मैं गुस्सा उन पर था, मेरा गुस्सा तुझ पे निकल गया, मैं क्या करूं अश्मा? हर रिश्ते की अपनी जगह और अपनी अहमियत होती है उदय। एक की वजह से दूसरे को खराब नहीं किया जाता। और तू, अगर तू अपनी बाऊजी की वजह से परेशान था तो मुझसे आके बात करता, पर तूने तो मेरी अहमियत ही खत्म कर दी। अश्मा अश्मा अश्मा, तू क्या बोल रही है? तू मेरी बात तो सुन। नहीं सुनी मैंने तेरी कोई बात, आज तू मेरी बात सुन। वशमा बेग जो रिश्ता जोड़ती है उसके लिए अपनी जान भी दे सकती है, और ये बात मैं चता नहीं रही, बस बता रही हूँ कि बिना किसी की परवाह किए मैंने तेरे लिए इतनी हिम्मत की और बार बार की, पर अब लग रहा है जिसके लिए कि उसे तो कोई परवाह ही नहीं। नहीं वशमा, वशमा वशमा, परवाह है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चल ठीक है, तू मुझे खुद बता दे कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुझे खुद विश्वास हो जाए।
बोल। हिम्मत दिखा। तेरे दिल में जो भी बात है, जिस दिन उस कोठे पे चढ़ के ऐलान करने की हिम्मत आ गई ना तुझे, मैं मान जाऊंगी तुझे उधर। बस आराम नाल। हाँ आराम से ब्रिज, आराम से। मुझे एक घंटा पूरा हो गया, मैं बोल सकती हूँ? है? आप मुझसे गुस्सा हो रहे थे ना कि मैं कुछ बोल क्यों नहीं रही थी। इन्होंने मुझे कसम दी थी कि एक घंटे तक कुछ बोलना मत। वो ना कोई प्यार वाला जादू दिखाने वाले थे मैनू। और कहा जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे करती जा। ओ जी तो फिर मैं तो चुप हो गई है। पर जादू शुरू होने से पहले इनकी खुजली शुरू हो गई थी। जादू तो ऐवे ही रह गया है। ओ जी अभी प्यार वाला जादू दिखा दो, सारे यहीं खड़े हैं। ओ जाना प्रजाई जी कुछ बोले, सुनो उन्हें। अच्छा अच्छा ठीक है, दिखा देंगे वो जादू। तू ना हल्दी वाला दूध लेके आ। अच्छा नहीं जी, वो अभी दिखाएंगे हैं। अरे प्रजाई जी उस बेचारे की गल तो सुन लो। तू बोल कौन सा प्यार वाले जादू की बात कर रहे थे? छोड़, तू भी बाहर चल, आराम करने दे। चलो चलो। नहीं नहीं अरे वो अभी दिखा रहे हैं, अभी अभी दिखा रहे हैं। तुम नहीं बता रही हो ना? अच्छा तुम मुझे जादू। हां ओ जी मैं आऊंगी, प्यार वाला जादू दिखा देना। लाले ब्रिज को दवा की नहीं अपने बड़े परा की सलाह की जरूरत है, समझ रहा है ना? चलता हूं। ठीक है ना? ये सब क्या है ब्रिज? ऐसी वैसी चीजें लेके नहीं खानी चाहिए हकीमों से। तेरा नया नया ब्याह हुआ है, थोड़ा सबर कर। अब तेरे को छोड़ के भाग थोड़ा जाने वाली है। बुढ़ापे में इतनी सुंदर लाठी मिली है बेचारे को, बुढ़ापे में संभालना मुश्किल हो जाएगा। और कल को भाग गई तो? कल को उसे लगा कि उसका घरवाला उसे पति वाले सुख नहीं दे सकता, तो उसके जैसा जवान नहीं है तो रहेगी मेरे नाम? बताओ प्राची, प्यार की तड़प वही समझ सकता है जिसने खुद प्यार किया। चैन, आराम, नींद, करार सब ले जाता है और बदले में देता है सिर्फ दर्द। वो दर्द जिसे ना छुपाया जा सकता है ना दिखाया जा सकता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।